हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीआईवाई किचन डायरीज। आज हम बनाने जा रहे हैं भटूरे छोले। भटूरे छोले के लिए हमें चाहिए 3 से 4 कप बॉइल्ड चना, 3 कप मैदा, थोड़ा सा चना मसाला, 1 कटोरी सूजी, 1 पैकेट इनो, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, जीरा, अनारदाना, थोड़ी सी सौंफ, दही, धनिया के पत्ते, देगी मिर्च, खड़े मसाले, 4 से 5 टमाटर पिसा हुआ, अदरक लहसुन का पेस्ट, सूखी लाल मिर्च, नमक, फ्राई करने के लिए तेल, प्याज और हरी मिर्च कटे हुए, फ्राइड चना और सूखा धनिया। सबसे पहले हम तैयार करेंगे हमारे भटूरों के लिए बैटर। उसके लिए हम लेंगे 3 कप मैदा, 1/2 कटोरी सूजी, 1 चम्मच चीनी, आधा चम्मच नमक, 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1 कटोरी दही, 1 पैकेट इनो। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब हम आटे को अच्छे से गूंद लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। पानी 3-4 बार डालिएगा और मैदा हमें ऐसे इतना सॉफ्ट गूंदना है जैसे कि रोटी के लिए हो। जैसे कि आप देख सकते हैं, अब हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच तेल और इसको अच्छे से मिक्स करके अब हम इसको एक गीले कपड़े से ढक देंगे ताकि वो अच्छे से फूल जाए। अब हम बनाएंगे हमारे चने के लिए मसाला। उसके लिए हमें चाहिए 1 चम्मच अनारदाना, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ, 3 से फ्राइड चने, 2 से 3 सूखी लाल मिर्च, हमारे खड़े मसाले जिसमें हमारे पास है तेज पत्ता, मोटी इलायची, दालचीनी, लौंग और छोटी इलायची, और हम डालेंगे 1 चम्मच सूखा धनिया। अब हम इसको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। अब जो मसाला हमने भुना है उसको हम अच्छे से मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, अब हमारा मसाला बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको एक कटोरी में ले लेंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे छोले बनाना। उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए 3 से 4 चम्मच तेल। तेल को अच्छे से गरम होने देंगे। अब तेल हमारा गरम हो गया है तो इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा, 1 तेज पत्ता। अब हम डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और फिर डालेंगे 1 चम्मच देगी मिर्च। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
इसमें डालेंगे हमारे 4 से 5 पिसे हुए टमाटर। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और फिर इसमें हम डालेंगे जो मसाला हमने बनाया था 2 चम्मच। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब तक टमाटर पक ना जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं टमाटर ने अच्छे से तेल छोड़ दिया है, तो अब हम इसमें चने डाल देंगे। अब इसको अच्छे से हिला लेंगे। अब हम इसमें छोले उबालते वक्त जो पानी का स्टॉक बनता है वो डाल देंगे। ये हम 2 कटोरी के बराबर ही डालेंगे क्योंकि हमें छोले इसके साथ थोड़े गाढ़े चाहिए। अब हम इसमें नमक स्वाद अनुसार डालेंगे क्योंकि हमने जब छोले उबाले थे उसमें भी थोड़ा सा नमक डाला था। अब हम इसमें 1 चम्मच चना मसाला डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे भटूरे की प्रिपरेशन। उसके लिए सबसे पहले हम एक जग तेल पैन में डालेंगे और इसको अच्छे से हीट कर लेंगे। जब तक कि तेल हमारा हीट हो रहा है तब तक हम आटे का पेड़ा बना लेंगे भटूरों के लिए। अब हम पेड़ों को अच्छे से बेल लेंगे। अब इसको हम तल लेंगे। अब हम इसको दोनों तरफ से पकाएंगे जब तक कि ये रेडिश ना हो जाए। अब जैसे कि आप देख सकते हैं भटूरा हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको प्लेट में निकालेंगे। अब हमारे छोले भटूरे बिल्कुल रेडी है, इसको हम बस गार्निश करके सर्व कर देंगे। अब इसमें थोड़े से स्प्रिंग अनियन डालेंगे। अब इस पे हरी मिर्च लगा देंगे और हमारे छोले भटूरे बिल्कुल रेडी है।